एक बार फिर आपका जहाँ के लाइसेंस स्वागत है। मेरा नाम राजीव है, मैं लेके आता हूँ करेंट अफेयर और डेली अपडेट। ठीक है, जैसा कि आप देखो 24 तारीख का आपका पेट का एग्जाम है, तो पिछला हम रिवीजन लेके चलेंगे। ठीक है, 6 मंथ या उससे 1 साल तक का 20 से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं 3 से 5 के बीच में, वो आपके बनेंगे खेलों से संबंधित। तो आज का जो टॉपिक रखा है हमने ओलंपिक से रिलेटेड, देखो पहले हम बेसिक चीज़ें समझेंगे ओलंपिक से। ठीक है, ओलंपिक से समझेंगे, एक तो होता है ओलंपिक, बेसिक से लेके चलेंगे, एक होता है ओलंपिक समिति मतलब कमेटी। तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई है 23 जून 1894 में हुई है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके थॉमस वक। ठीक है, कौन है? थॉमस वक। ठीक है, और देखो अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें, 23 जून की बात करें, तो 23 जून को 2 दिवस बनते हैं। एक तो होता है यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, और एक बनता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये थोड़ा सा इसमें लिंक करके चलेंगे हम, ये बस आपको सुनना है, नोट आपको इसका करना है। ठीक है, अब 23 जून 1894 स्थापना हुई, एक एग्जाम में आया था ओलंपिक दिवस कि किस दिन बनाया था, तो वो 23 जून को बनाया था क्योंकि ये क्या है, स्थापना हुई है। अब हम बात करें, इसके बाद हम चलते हैं, मुख्यालय पूछ लेगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है ल्यूसियाने। कहाँ है? ल्यूसियाने। और ल्यूसियाने कहाँ आता है? आपका स्विट्जरलैंड। किस पे आता है? स्विट्जरलैंड। अब कहीं पे भी कोई भी देश दिखाई दे उसकी राजधानी और मुद्रा याद करेंगे, तो ये क्या है, राजधानी क्या है? बर्न। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? फ्रैंक। बात समझ में आ रही है? आप सिर्फ सुनते रहें, याद मैं करा दूँगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक आपने देखा होगा एक शुभंकर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मस्कट। क्या बोलते हैं? मस्कट इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है? शुभंकर। शुभंकर कौन है? मिराई तोबा, ये इसका शुभंकर है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब ये किसका है? ये जो हो रहा है ये 32वां, ये समर है मतलब ग्रीष्मकालीन बोलते हैं, समर ओलंपिक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके लिए मस्कट मतलब शुभंकर क्या है? मराई तोबा। इसका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श मतलब मोटो, आदर्श वाक्य, तो ये जो है वो है यूनाइटेड ऑफ इमोशन। क्या है? यूनाइटेड ऑफ इमोशन। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये बेसिक पूछ लेता है खिलाड़ियों के बारे में, सभी को पता है कौन क्या है, वो पूछ लेगा इसका शुभंकर क्या है, मराई तोबा है, इसका एक आदर्श वाक्य क्या रहा है मतलब मोटो क्या रहा है, विषय क्या रहा है इस ओलंपिक का, वो रहा आपका यूनाइटेड ऑफ इमोशन। ठीक है, ये बेसिक डिटेल है किसकी? ओलंपिक समिति की। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब यदि हम बात करें इसमें, वैसे ये डेट पूछेगा नहीं, 23 जुलाई को शुरू हुआ था, 8 अगस्त को ख़त्म हो गया था। ठीक है, वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि कब शुरू किया गया था। अब देखें, अब इसमें ओपन सेरेमनी मतलब जो शुरुआत हुई थी किसकी? ओलंपिक की, तो ओपन सेरेमनी बोलेंगे इसे। ठीक है, सेरेमनी जैसे जब शुरुआत होती है, तो ओलंपिक की ओपन शुरुआत हुई थी, तो ये क्या है? ध्वज बाहक। दो आज कौन रहे थे? एक रहे थे मनप्रीत सिंह। ठीक है, और ये रहे थे आपके MC मैरीकॉम। ठीक है, MC मैरीकॉम। पूछ सकता है ये किस खेल से संबंधित है और ये किस राज्य से हैं? तो देखो, मनप्रीत सिंह तो ये हॉकी से हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और ये कहाँ से आते हैं? पंजाब। और कुछ भी समझ में नहीं आए, पीछे जो सिंह लग जाए समझ लो पंजाब से ही है। MC मैरीकॉम, तो मैं MC बना लिया आपने क्या? मणिपुर। और ये किससे हैं? बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बॉक्सिंग से। अब ये तो ओपन सेरेमनी हुई, अब ओलंपिक समापन हुए। ओलंपिक क्या हुए? समापन। समापन को क्या बोलेंगे?
क्लोजिंग सेरेमनी। तो यहाँ पर कौन ध्वजवाहक रहे थे, ध्वजवाहक कौन रहे थे, तो वो रहे थे आपके बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया। ये किससे संबंधित है? कुश्ती से। ठीक है, और डिटेल में अभी चलेंगे, क्योंकि अभी क्या होगा पूरा, अभी खिलाड़ी कौन कौन क्या जीता उससे रिलेटेड हम रखेंगे। सही है, तो देखो 23 जून को 1894 स्थापना हुई थी। इस अध्यक्ष कौन है? थॉमस वर्ग। मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसियाना स्विट्जरलैंड। और राजधानी क्या है इसकी? बर्न फ्रैंक। ये थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। मस्कट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, और इसका मोटो पूछ सकता है कि क्या थीम रखी गई थी, यूनाइटेड ऑफ इमोशन। ठीक है, ध्वजवाहक कौन रहे जब शुरुआत हुआ था? एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे थे आपके? बजरंग पुनिया। एक पैरा ओलंपिक भी हो रहा है, पैरा ओलंपिक क्या हो रहा है? पैरा ओलंपिक। पैरा का जानते हैं, जो विकलांग जो होते हैं पर्सन डिसेबिलिटी का क्या होता है एक, इनका भी क्या होता है? ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। ठीक है, इसके जो ध्वजवाहक हैं मरियम पन थंगावेलु। कौन है? थंगावेलु। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा, थंगावेलु। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको दिया गया था। अभी 5 अनाउंस हुए थे, उसमें से ये थे मरियप्पन थंगावेलु। और मरियप्पन जो थंगावेलु हैं, ये हाई जंप, खेल का नाम क्या है? हाई जंप। ठीक है, शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो ये किस खेल से संबंधित है? हाई जंप। पैरा ओलंपिक कहाँ हो रहा है? ये भी आपका किस में होगा? जापान में। इसके जो ध्वजवाहक हैं मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित हैं? हाई जंप से। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हूँ मैं ऊपर प्रॉपर लिख दूंगा। सही है, ये बेसिक हो गया, आगे चलते हैं। किसको क्या मिला है इसको हम देखेंगे। देखिए, अंक तालिका में हम बात कर रहे हैं, जैसे अंक तालिका है, ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा रहा है? यूएसए। ठीक है, 39 गोल्ड हैं। ठीक है, टोटल 113 क्या मिले हैं? पदक मिले 113 गोल्ड, पूछ सकता है ये। और तीसरे पे आपका कौन सा है? चाइना, जिसको 38 गोल्ड मिले हैं, 88 टोटल मेडल हैं। ठीक है, और तीसरे पे आपका क्या आ रहा है? जापान। टॉप थ्री याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको कितने मिले हैं? ठीक है, 58 है यहाँ टोटल, यहाँ कितने गोल्ड हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन वैसे जो पहला या दूसरा ही पूछते हैं, तीसरा भी मैंने लिख दिया है। भारत का क्या स्थान रहा है? 48वां स्थान रहा है। किसका? भारत का। टोटल कितने हैं? 7, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 रजत हैं, और 4 आपके क्या हैं? कांस्य, मतलब ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और ये कितने ग्राम के होते हैं, कैसे होते हैं, उसका भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं कितना इसमें गोल्ड रहता है कितना नहीं रहता, वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अब ये जो 7 मिले हैं वो किने किने मिले हैं हम ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले की बात करें तो पहला आया है स्वर्ण, मतलब गोल्ड आ गया। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा हैं, अब तो सभी को पता चल गया होगा ये नीरज चोपड़ा हैं। ठीक है, ये क्या है? भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक से संबंधित है, ये खेल का नाम क्या है? भाला फेंक। कितने मीटर फेंका था इन्होंने? 87.58 मीटर फेंका था, ये रिकॉर्ड बनाया था। सही है, और ये किस राज्य से हैं? ये हैं हरियाणा। कहाँ से? हरियाणा। हो सकता है इसके राज्यपाल पूछ लें, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, राज्यपाल बदले गए हैं, तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये नए राज्यपाल हैं इसलिए मैंने मेंशन किया, नहीं तो नहीं करता, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर जो आया ये रजत है, रजत का मतलब होता है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो अब इसमें आता है आपका मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू हैं, इन्होंने क्या किया?
49 किलोग्राम में, 49 किलोग्राम में क्या है? भारोत्तोलक। ठीक है, इसमें क्या जीता है उन्होंने? रजत पदक। मींग से क्या बन गया? मणिपुर। क्या बन गया? मणिपुर। ये किस राज्य से हैं? मणिपुर से। ठीक है, एक और रजत पदक आया आपका, वो कौन है? रवि कुमार दहिया। ये किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। 57 किलोग्राम में, ठीक है, और कुश्ती से संबंधित है। ये कहाँ पर हैं? किस राज्य से हैं? हरियाणा। सही है। अब चौथे की बात करें, अब बाकी के सारे क्या हैं? कांस्य पदक हैं, मतलब ब्रॉन्ज हैं। कांस्य की बात करें तो देखो, एक तो हॉकी टीम है, पूरी हॉकी टीम को ही मिला ये, ठीक है। कप्तान पूछ सकता है, कप्तान कौन है? तो यही थे, मनप्रीत सिंह, ठीक है, ये कप्तान हैं। इन्हें क्या मिला है? कांस्य पदक। ये तो पूरी टीम ही है। पांच की बात करें, पांचवा कौन है? कांस्य पदक की बात करें, ठीक है, ये हैं आपके बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ये किस खेल से संबंधित है? ये हैं कुश्ती से, और ये भी कहाँ के हैं? हरियाणा। कहाँ के हैं? हरियाणा। छठवें की बात करें, लोभ लीना, कौन है? लोभ लीना बोर्गे हैन। बोर्गे, अजीब सा नाम है, बोर्गे हैन, ठीक है। ये किससे संबंधित हैं? ये बॉक्सिंग से। किससे हैं? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। तो ये कहाँ के हैं? ठीक है, मीराबाई चानो। ये असम के हैं। कहाँ की हैं? ये असम की। मीरा लोबलीना कहाँ की? असम की, ठीक है। और सातवें की बात करें तो एक रह गया आपका, कौन रह गया हमारा? बोर्गे हिन हो गया, रजत। पी वी सिंधु, कौन है? पी वी सिंधु। ये पी वी सिंधु हैं। ये किससे हैं? बैडमिंटन। किससे हैं? बैडमिंटन। और ये किस राज्य से हैं? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। तेलंगाना की जो मुख्य न्यायाधीश, अब याद करना क्यों जरूरी है, इसका मतलब समझो। ये वर्तमान में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम है हेमा कौली। क्या है? हेमा कौली। कौन है? हेमा कौली। सही है, तो इस चीज़ को आप नोट करें, ठीक है। तेलंगाना के इंक दिन, चलो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। वैसे बजरंग पुनिया और ये आपका दीपक जो दहिया थे, तो वो थे आपके कितने? 57 किलोग्राम में थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो एडिशन हो रहा है हमारा, कौन सा ये नंबर का हो रहा है? 32वां। लेकिन ये क्या है? ओलंपिक। ओलंपिक, लेकिन ये ग्रीष्मकालीन को क्या बोलते हैं? समर ओलंपिक। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 2020। कौन सा मिलेगा? 2020 मिलेगा। अब 2020 कहाँ हुआ है? जापान। हुआ तो 21 में है, लेकिन हमेशा आपको कहीं पे भी आप देखोगे 2020 में होगा। अगर मैं अगला देखूँ, हर 4 साल बाद होता है, तो ये 33वां है। 33वां ये भी समर है। 4 साल बाद कहाँ होगा? 24। तो ये आपका होगा आपका पेरिस, और ये कहाँ पर होगा? फ्रांस। अब 34 की बात कर लें तो 34वां आपका होगा 2028, लॉस एंजलिस, ठीक है। और कहाँ आता ये? यूएसए में। और ये अभी नया अनाउंस हो गया है 35वां, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में 2032 का आपका होगा ब्रेसवेन। और ये कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया। सही है, ये बात ख़त्म हो गई। ये लेकिन कैसा है? समर। इसको ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। अब आपका आता है विंटर ओलंपिक, इसको भी ले लेते हैं, विंटर ओलंपिक, ठीक है। ये 2022 में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? चीन में।
और यदि हम अगले की बात करें, 4 साल बाद क्या हो गया आपका 26, तो 26 में होगा आपका मिलान। मिलान एक जगह है, कहाँ आता है, इटली। क्या आता है, इटली, सही है। अब ये आपके क्या हो गए, समर ओलंपिक हो गए, विंटर ओलंपिक, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसका डिटेल हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, इस वाले को नोट कर लें। ये वाला आपने नोट कर लिया। देखो एक और है इसमें, विंटर, ये 4th नंबर का है विंटर। अब यहाँ देखना, एक शब्द यूज होगा, यूथ ओलंपिक, ठीक है। ये जो होगा आपका 2024 में होगा। एक जगह है गैंगवोन, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, एक हाल ही में एक कार आई है, आपने देखा हो, वो किस देश की कंपनी, एक ये आ रही है आपकी कार, किया, किया नाम से आ रही है, वो किस देश से है, साउथ कोरिया से है। ये चीज़ ध्यान है, साउथ कोरिया की कौन, साउथ कोरिया की क्या है कंपनी, ये ऐसा पूछ लेते हैं। और एक नई आई है एमजी हेक्टर, एमजी किसकी है, यूनाइटेड किंगडम की। ये दो नई कारें आई हैं, इनका भी हम देख लेंगे, ठीक है। और एक आता आपका समर, समर यूथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूथ दिखाई नहीं दे और लगा दिया टेक, सही है, सॉरी, ये 24 है, ये 26 है। अब ये जो आपका आ रहा है सेनेगल, एक देश है सेनेगल, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, डकार। मुद्रा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, विंटर यूथ ओलंपिक, यहाँ पर क्या रखना, विंटर है 2024 का, गैंगवोन साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल, और मुद्रा क्या है, बोन। अब उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं तो उसकी है प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग, वहाँ पे मुद्रा क्या चलेगी, वॉन। तो इससे रिलेटेड ये हो गया, सही है। आज बारिश की वजह से ऐसा वीडियो बनना है, तो लाइट थोड़ा समय में तो आ रहा है ना, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, ये बेसिक है, ये कभी आपका चेंज नहीं होना, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, कुछ नई नई चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, इस बार जो पहली गोल्फर है, पहली गोल्फर, लेकिन इसके पीछे क्या लिखा है, महिला, ठीक है। तो ये हैं, इस साल की बात हो रही है, अदिति अशोक, ठीक है। और पहली, एक फेंसर होता है, और फेंसर शब्द का यूज होता है आपका तलवारबाजी, जो एक खेल होता है तलवारबाजी, ठीक है। वो है भवानी, कौन है, भवानी। और देखिए, पहली महिला तैराक मोना पटेल। पटेल से ही पता चल रहा है ये किस राज्य से होंगी, गुजरात। और देखिए, पहला पुरुष तैराक है वो कौन है, साजन प्रकाश, ये किसके, केरल, किसके हैं, केरल। अभी कौन है, युवा व, एक होता है युवा मामलों और क्या है, खेल मंत्री वर्तमान में, ठीक। तो खेल मंत्री हैं वो आपके कौन हैं, अनुराग ठाकुर हैं। अब खेल दिवस भी आपको पता है, खेल दिवस क्या कर रहा है,
खेल दिवस है आपका 29 अगस्त है, किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में, ठीक है। अब एक और नाम ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न का जो था, तो अब क्या बन जाएगा? मेजर ध्यान चंद, मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड, मतलब क्या हो गया? अवार्ड, ये नाम दे दिया जाएगा। इसमें जो राशि है कितनी है? 25 लाख है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न का जो बदला गया है वो क्या है? 25 लाख है, ठीक है, इसको आप नोट करें, पहले दूसरी थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक वहाँ के हैं न्यूजीलैंड के, हार्वर्ड करके, ठीक है, हार्वर्ड करके है पहले ट्रांसजेंडर, हार्वर्ड करके किस खेल से संबंधित है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पहले ट्रांसजेंडर भारोत्तोलक, ठीक है, हार्वर्ड करके है और वो किस देश से? न्यूजीलैंड से, सही है। तो देखो बेसिक जो डिटेल है वो इस तरीके से आ जाएगी। और देखो अभी भी चेंज हुए थे आपके, अर्जुन अवार्ड में हो गए 15 लाख, ठीक है, और ध्यानचंद का तो चेंज ही हो गया था, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कितने हैं। तो जो बेसिक है हमारा डिटेल जो उसमें ओलंपिक में पूछा जाएगा उसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लेंगे, वीडियो थोड़ा सा इसलिए क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए, तो आप इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। नई करेंट अफेयर का जो वीडियो है वो अगले दिन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। पैट की तैयारी अच्छे से करें, ऑल द बेस्ट।